बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आपने अपने वेकेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है और अपने समर टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना है। इस समर टास्क में कुछ हिदायात पेरेंट्स के लिए दी गई हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाती है कि इन हिदायात पर अमल करें। पेरेंट्स बच्चों को रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करवाएं और हर काम पर डे और डेट ज़रूर मेंशन करें। समर टास्क सख्ती से चेक किया जाएगा, इसलिए वालदैन बच्चों को अपनी निगरानी में काम करवाएं। अगर कुछ समझ ना आए तो स्कूल के नंबर पर रابطہ करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत कितनी बढ़ चुकी है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आसानी से इंग्लिश बोल और समझ सके। इंग्लिश के मायार को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिक्रात समर टास्क में ऐड किए गए हैं। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ डेली लाइफ में इन फिक्रात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि बच्चों की स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। ये सेकंड टर्म का सिलेबस दिया गया है, ये इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स दिए गए। इस पेज पर आपने ए टू एम लेटर्स लिखने हैं। ये आपकी एक्टिविटी दी गई है, यहाँ आपने मिसिंग लेटर्स लिखने हैं। ये उर्दू के हरूफ तहजी दिए गए हैं और छोटे हरूफ तहजी दिए गए हैं। ये उर्दू की सरगर्मी दी गई है, इसमें आपने काफ और गाफ में रंग भरने हैं। ये काउंटिंग का पेज है, इस पर आपने 1, 2, 30 काउंटिंग लिखनी है। ये काउंटिंग की एक्टिविटी है, इसमें आपने मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। इस वर्कशीट पर आपने नंबर्स को कट करके पेस्ट करना है। मैंने आपको आपके काम के बारे में बता दिया है कि आपने किस तरह से अपना समर टास्क कंप्लीट करना है। आपने अपना समर टास्क नीट एंड क्लीन करना है और इसको अच्छे से डेकोरेट करना है, क्योंकि इसके नंबर्स भी आपके पेपर्स में ऐड हो। उम्मीद है आपको अपना वर्क समझ आ गया होगा। अल्लाह।